नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले पता करें अपने मार्क्स। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए। पूरा तरीका बताऊंगा, आप खुद एनालिसिस कर लेंगे कि आपको कितना नंबर मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चलते वीडियो को लाइक करिए और ये जानकारी सभी तक पहुँचा दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि कक्षा 12वीं और 10वीं के विद्यार्थी हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आखिर बोर्ड एग्जाम की उत्तर पुस्तिकाएं किस तरह चेक होती हैं। इस जानकारी के अभाव में कुछ विद्यार्थी रिजल्ट आने के बाद अक्सर यह कहते मिल जाते हैं कि जितना उन्होंने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा मार्क्स आए या कम मार्क्स आए। आखिर बोर्ड एग्जाम की उत्तर पुस्तिकाएँ कैसे चेक होती हैं? बोर्ड एग्जाम समाप्त होने के बाद उत्तर पुस्तिकाएं चेक होने के लिए देश भर के विभिन्न केंद्रों में भेजी जाती हैं। इन्हें चेक करने के लिए बोर्ड विभिन्न स्कूलों में अनुभवी शिक्षकों की नियुक्तियां करता है। कॉपी चेक करने वाले शिक्षक को प्रति कॉपी के हिसाब से बोर्ड पैसा भुगतान करता है। जी हाँ, उत्तर पुस्तिकाओं को केंद्रों में भेजने से पहले उसमें से नाम और रोल नंबर वाला पेज हटा दिया जाता है और उसकी जगह एक गुप्त कोड लिख दिया जाता है जिसका पता सिर्फ बोर्ड के स्टाफ को होता है। इस प्रक्रिया द्वारा बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन के दौरान किसी तरह की बेईमानी ना हो। उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन करने वाले हर शिक्षक को एक मार्किंग स्कीम दी जाती है। इस मार्किंग स्कीम में हर प्रश्न के उत्तर के लिए उत्तर संकेत या मूल बिंदु आंसर की या वैल्यू पॉइंट मौजूद होते हैं। उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन के दौरान जिस उत्तर में ये सारे उत्तर संकेत या मूल बिंदु मौजूद होते हैं उस उत्तर को शिक्षक पूरे अंक देता है। जी हाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद स्टेप मार्किंग होती है। जी हाँ दोस्तों, स्टेप मार्किंग पे भी आपको नंबर मिलते हैं। उत्तर किस तरह दर्शाया गया है यह भी महत्वपूर्ण है। 12वीं के बोर्ड एग्जाम की बात करें तो करीब 10 लाख विद्यार्थी 12वीं के बोर्ड एग्जाम देते हैं। इसका मतलब बोर्ड के पास 2 महीने से भी कम समय होता है। पूरा प्रोसेस खत्म करने के लिए कॉपी चेक करने वाले शिक्षक को भी प्रति कॉपी चेक करने के हिसाब से रुपया मिलता है। इसका मतलब इस पूरी प्रोसेस में समय बहुत कम होता है और साथ साथ कुछ शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी कमाना चाहते हैं। इसीलिए जो विद्यार्थी सही उत्तर बुलेट पॉइंट डायग्राम आदि का इस्तेमाल करके उत्तर लिखते हैं तो उनको पूरे नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर उत्तर में बड़े बड़े पैराग्राफ होंगे तो शिक्षक को जानकारी ढूंढकर निकालनी होगी। इस चक्कर में हो सकता है कि उत्तर में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षक को ना मिल पाए, या भी हो सकता है कि शिक्षक पूरे नंबर देने की जगह जल्दबाजी में औसत नंबर दे। जी हाँ, उत्तर किस तरह दर्शाया गया है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादा शब्द लिखे हैं तो यह जरूरी नहीं कि ज़्यादा अंक मिले। जी हाँ, कुछ विद्यार्थियों का यह सोचना होता है कि अगर उत्तर लिखने के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा शब्द लिखे होंगे तो ज़्यादा अंक मिलेंगे। यह धारणा पूरी तरह से गलत है। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम में आपसे जो पूछा गया और जितना पूछा गया सिर्फ उतना लिखने पर ही अंक मिलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपसे प्रश्न में न्यूटन का पहला सिद्धांत पूछा गया है और आपने उत्तर में न्यूटन का पहला सिद्धांत सही सही लिखा है तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपने कुछ भी लिखा है तो उसके कोई और अंक नहीं मिलेंगे। जी हाँ, अभी तक हमने जाना कि बोर्ड एग्जाम की उत्तर पुस्तिकाएं किस तरह से चेक होती हैं। इन बातों का ध्यान रखकर आप बोर्ड एग्जाम में अपने अंकों का हिसाब लगा सकते हैं। जी हाँ, आप मोटा मोटी अपने अंक पता कर सकते हैं कि तकरीबन आपको कितना अंक मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और यह जानकारी सभी तक पहुँचा दीजिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।